टीकमगढ़ में बुंदेलखंड का ऐतिहासिक अखिल भारतीय वीर सिंह जूदेव और राजमाता सिंधिया हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ, जिसमें देश भर की बड़ी टीमों ने हिस्सा लिया। 15 मार्च तक चलने वाली अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इससे पहले विधायक राकेश गिरी और टूर्नामेंट के सचिव सुरेंद्र रावत, अध्यक्ष प्रमोद खरे ने टूर्नामेंट की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बताया गया कि ये टूर्नामेंट ऐतिहासिक है, इसमें देश की सभी बड़ी टीमों ने हिस्सा लिया है। लगभग 60 साल से अधिक पुराने इस टूर्नामेंट में इस बार विजेता टीम को 1,25,000 और महिला विजेता टीम को 1,00,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। वीर सिंह जूदेव और राजमाता बिजयाराजे सिंधिया हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी है, बिल्कुल अंतिम चरण में है और कल 1 बजे इसका विधिवत शुभारंभ होगा। शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री राम खिलावन पटेल जी करेंगे और यह शुभारंभ कल 1 बजे होगा। टूर्नामेंट को लेकर हमारी तैयारी करीब करीब पूर्ण रूप से हो चुकी है। आप खुद देख रहे होंगे, साज सज्जा की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था रह गई है जो रात के 8-9 बजे तक हो जाएगी। कल हमारा मैदान बिल्कुल टूर्नामेंट के बिल्कुल फिट रहेगा, तैयारी पूर्ण रहेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।